11 सूत्री मांगों को लेकर के किसानों द्वारा पहले से घोषित कार्यक्रम था, टोल प्लाजा पे मीटिंग करके धरना करके भारत के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया SDM OCO को जिलाधिकारी के माध्यम से। उसमें 11 मांगे थी, मांगों के बारे में आप जानते ही हैं, उसमें कुछ नहीं कहना है। केवल इतना कहना है जो भारत का अन्नदाता है, जो किसान है, 45 किसानों की अब तक दिल्ली में आंदोलन के तहत मौत हो गई है, उनके सम्मान में अतरौलिया आजमगढ़ अम्बेडकर नगर क्षेत्र से यहाँ हजारों किसानों ने आज जो है धरना दिया, ज्ञापन दिया। और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, चाहे वो टोल प्लाजा का मामला हो, चाहे कृषि कानून का मामला हो, चाहे सिकंदरपुर सड़क का मामला हो, चाहे गन्ना घटतौली का मामला हो, चाहे धान खरीद का मामला हो, चाहे पुलिस के उत्पीड़न का मामला हो, सारे मामलों को लेकर के हम लोगों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से DM के प्रतिनिधि जो थे महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया। अगर सिकंदरपुर सड़क का, गन्ना घटतौली का, धान खरीद का, अगर इन छुट्टा जानवरों से अगर किसानों को राहत नहीं दी गई तो आने वाले दिनों में जो हम चेतावनी दे रहे हैं ज़बरदस्त आंदोलन होगा। गांव-गांव जो काटा लगे हुए हैं, काटा इंचार्जों को भगा करके काटा कब्जा कर लिया। टोल टैक्स से बात हुई है, DM साहब से वार्ता हुई है, अम्बेडकर नगर से भी वार्ता हुई है, स्थानीय लोगों को जितना हो सकेगा राहत, बड़ी से बड़ी राहत दी जाएगी। अगर ये आप लोगों की मांगे जो ज्ञापन दिए हैं, मांगे पूरी तो आप मांगे तो माननी ही पड़ेगी। गोरखपुर एक्सप्रेस में भी इसी तरह सवाल खड़े हुए थे, आपको याद होगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस के बराबर देने के लिए कहे थे, लेकिन 39 गाँव में 82 करोड़ रुपया बढ़ाया गया था। और हमारा काम है मांगना, हमारा काम है संघर्ष का। और आज जो लोग चुनौती दे रहे थे, लोहरा टोल प्लाजा पे कोई नहीं जाएगा, अतरौलिया और अम्बेडकर नगर साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि लोहरा टोल प्लाजा पे हम लोगों ने ज़बरदस्त आ जा करके कब्जा कर लिया और ये कर लिया। हो गया है गन्ना जो 4-5 दिन से किसान अगर सूखा गन्ना है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। धान की रेडी पर धान होती किसान आगे मत आइए, चलिए सदा बटो। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।